हेलो फ्रेंड्स, लॉजिक कॉम्प्रिहेंशन चैनल में आपका स्वागत है और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अपकमिंग वीडियोस पाने के लिए। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं या ट्रिपल सी कोर्स का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करते हैं। इसके लिए पहले हमें गूगल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे एड्रेस बार में हमें URL टाइप करना पड़ेगा student.nily.in और इस URL पे जाने के बाद आपको ऐसा एक वेब पेज ओपन हो जाएगा नाइलिट का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप ट्रिपल सी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेरियस कोर्सेज है और यहाँ पर IT लिटरेसी प्रोग्राम, इस सेक्शन में यहाँ पर सेकंड नंबर कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं ट्रिपल सी कोर्स को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि हम ट्रिपल सी फॉर्म फिलअप करने के लिए हमें यूज़फुल है। देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ट्रिपल सी एग्जामिनेशन फॉर्म ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये PDF के फॉर्मेट में है। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, डिटेल में दिया गया है। ये आप रीड करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्राउचर भी दिया गया है ट्रिपल सी के बारे में, कोर्स के बारे में डिटेल्स जानकारी जानने के लिए। और यहाँ पर ट्रिपल सी का सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है जो कि आपको ट्रिपल सी के जो कोर्स के रूल्स और रेगुलेशन है वो आपको, आप इसके लिए एग्री है, आप उसके लिए एग्री करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड, इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए, तो एक्चुअली हमारा ये फॉर्म ट्रिपल सी का ओपन हो गया। देखिए, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, एक ये फॉर्म है, ये हमें फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अनिवार्य फील्ड्स, जहाँ पर ये स्टार होगा वो फील्ड्स क्या होगी, कंपलसरी होगी, मैंडेटरी होगी, तो आपको वो भरनी ही होगी। तो देखिए, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है या एप्लीकेशन किया है। अगर नहीं किया हो तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दी हो तो यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, बाद में आता है एप्लीकेंट्स का फुल नेम। एप्लीकेंट्स का फुल नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम देने वाला है उसका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा, एज पर द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और लीगल सर्टिफिकेट। आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पे जो नाम है वहीं आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो देखिए, आगे है केयर ऑफ आपकी देखभाल कौन करता है, पेरेंट्स है या कोई गार्डियंस है। अगर माता पिता हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर गार्डियंस हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, पेरेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है पिता का नाम। देखिए, फादर्स नेम, यहाँ पर आपको पिता का फुल नेम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जो कि लीगल सर्टिफिकेट पे हो वैसा ही। बाद में मदर्स नेम, माता का नाम, यहाँ पर आपको माता का फुल नेम डालना पड़ेगा। बाद में आता है जेंडर्स, यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए मेल और फीमेल। बाद में डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में मंथ और बाद में डेट, जो भी हो यहाँ पर आप ऐसे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। देखिए, बाद में कैटेगरी, कास्ट, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल है, शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है या अदर बैकवर्ड क्लासेस से है, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बाद में आपका आता है एक्यूपेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अंडरटेकिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑदर्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट है तो आपको ऑदर्स पे सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो देखिए बाद में यहाँ पर फ़ोन नंबर विद एसटीडी कोड्स, यहाँ पर एसटीडी कोड आ जाएगा और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो आपके पास अगर मोबाइल हो तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये कंपलसरी है, ये आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद में आता है ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा आपको, ये भी कंपलसरी है, जो भी हो आपका वो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। बाद में आता है एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर 3 लाइन दिए गए हैं जहाँ पर आपको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाद में आता है सिटी का नाम, जो आपकी सिटी है वो आपका यहाँ पर सिटी का नाम आपको डालना पड़ेगा। बाद में आता है स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, महाराष्ट्र। और यहाँ पर महाराष्ट्र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऐसा आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपकी सिटी का हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का हो। देखिए बाद में आता है एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर आपका जो एजुकेशन चल रहा है वो यहाँ पर आप डालिए, या जो कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं या आपका कंप्लीट हुआ है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, बिलो टेंथ में है, 10th क्लास पास हो गई है, 12th क्लास पास हो गए हैं, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर से कोई नहीं हो तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर को आप पास हुए हैं, ये क्वालिफिकेशन आपका हुआ है कंप्लीट, वो ईयर यहाँ पर डालना पड़ेगा। बाद में आता है एग्जामिनेशन डिटेल्स, यहाँ पर देखिए किसके रूप में आवेदन किया है, यानी डायरेक्ट किया है, आपने खुद फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट में आप CCC पढ़ रहे हैं, या CCC का फॉर्म अगर आपके इंस्टीट्यूट ने फिल किया है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, या डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट किया तो कुछ नहीं आता, तो इंस्टीट्यूट किया है तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, किस राज्य के, यहाँ पर राज्य पूछा गया है तो महाराष्ट्र के राज्य से, और उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। देखिए सेलेक्ट सेंटर नेम ऑफ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर डालता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर आता है अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशंस, किस एग्ज़ाम साइकिल के लिए आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बाद में उसके आगे जो भी हो, अगस्त 2017 ये आपको डालना पड़ेगा। बाद में एग्जामिनेशन लोकेशन आपको यहाँ पर 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लोकेशन फर्स्ट और लोकेशन सेकंड। यहाँ पर पहले आपको स्टेट का नाम डालना पड़ेगा, देखिए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के किस सेंटर से आपको एग्ज़ाम देनी हो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ अकोला, तो मैंने अकोला लोकेशन या आप एग्ज़ाम सेंटर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। आपको सेकंड ऑप्शन पर देना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे, या तो आपका एग्ज़ाम सेंटर अकोला को आ जाएगा या तो अहमदनगर को आ जाएगा, जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। बाद में यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछा गया है, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं या नहीं डाला तो भी चलेगा, ये कंपलसरी नहीं है। बाद में यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, आपका फ़ोटो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट है JPG, JPEG, GIF, PNG, और उसकी साइज़ होगी 50 KB। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। बाद में देखिए यहाँ पर सिग्नेचर का ही फॉर्मेट सेम है, JPG, JPEG, GIF और PNG, और साइज़ सेम है 50 KB, यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और बाद में आता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस, आपका लेफ्ट थंब
का इम्प्रेशन जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसका भी जो फॉर्मेट है वो सेम ही है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ये नंबर डालना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर जो नंबर है वो आपको यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद ये आपका पूरा फॉर्म क्या हो गया, फिल हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सत्य है या ट्रू है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको और एक बार वो फॉर्म आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। और उसके सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर्स, जिसका नंबर का यूज़ करके आप बाद में जो भी है, अगर आपका हॉल टिकट आपको मिलना चाहिए तो आप इस नंबर से आपका एप्लीकेशन नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं हॉल टिकट पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, और बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट बटन आ जाएगा, और उस फाइनल सबमिट बटन पर आप क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और बाद में पेमेंट मोड, पेमेंट आप कर सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, और आप क्या कर सकते हैं CCC के लिए इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।